हेलो दोस्तों, मैं हूं निर्मला। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं लौकी और चावल से बने नाश्ते की रेसिपी, जिसे बनाना भी बहुत आसान है और ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। तो यदि आप भी वही हमेशा वाले नाश्ते खाकर बोर हो गए हैं तो ये नए तरीके से बने नाश्ते की रेसिपी ट्राई करनी तो बनती है। तो चलिए ये लौकी का लाजवाब नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी ऐसी और भी रेसिपीज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे चावल। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चावल लिए हैं। आप कोई भी चावल इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बासमती चावल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो जो कच्चा चावल आता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चावलों को सबसे पहले हम क्या करते हैं, अच्छे से धो लेते हैं। इसके लिए इन्हें एक दूसरे बड़े बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें पोंछ कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें थोड़ा धो लेती हूँ ताकि इनके अंदर का जो स्टार्च होता है वो भी थोड़ा निकल जाए। मैंने इन्हें अच्छे से धो लिया है और अब इन चावलों को एक ग्राइंडर जार के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इस तरह से इनका पाउडर भी तैयार हो जाएगा और चावल भी हमारे धुल गए। यदि इन्हें भिगोकर छोड़ते हैं तब तो चावल का पेस्ट बन जाता है, लेकिन बस एक बार धो लेते हैं तो ये अच्छे से वॉश भी हो जाएंगे और इनका पाउडर भी बन जाएगा। अब चावलों के साथ ही ग्राइंडर जार के अंदर ही एक हरी मिर्च हम काट कर डालेंगे और जितना तीखा पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप हरी मिर्च इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेकर मैंने इसे भी काट कर डाल दिया है। आप चाहें तो इसके साथ साथ लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन लहसुन का फ्लेवर थोड़ा अच्छा नहीं आएगा क्योंकि इसमें कच्चेपन का डर रहता है। 1 छोटा चम्मच इसमें जीरा डालेंगे और साथ ही तीखेपन के लिए हम इसमें डालेंगे 2 साबुत लाल मिर्च। यहाँ पर हम लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए मैं साबुत लाल मिर्च ले रही हूँ। आप साबुत लाल मिर्च नहीं लेते हैं तो बाद में लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो इसका हम पाउडर बना लेते हैं। तो देखिए, बढ़िया सा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब इस पाउडर को हम एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं क्योंकि अब इसका हमें एक पेस्ट बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर 1 बड़ी चम्मच बेसन का ऐड करेंगे। बेसन ऐड करने से इस नाश्ते को बहुत ही अच्छा टेस्ट और टेक्सचर मिलेगा। अब इसके अंदर दही ऐड करेंगे। तो तकरीबन 1/2 कप मैंने दही लिया है, इसे फेंट कर लिया है और दही ज़्यादा खट्टा नहीं है। और जितना मैंने दही लिया है उतना ही मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसका बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। बैटर बहुत ही आसानी से बन जाता है, कोई भी इसमें लम्प्स वगैरह नहीं बनते हैं और ये गाढ़ा बैटर ही होना चाहिए, ज़्यादा लूजी से ना रखें। अब इसके अंदर हम 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम इसमें डालेंगे लौकी। तो मैंने 400 ग्राम लौकी ली थी और इसे इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। तो बहुत ही अच्छे लच्छे बनकर तैयार हो जाते हैं और नाश्ते में इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। लौकी के साथ साथ आप इसमें और भी बारीक कटी हुई सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चुटकी हल्दी, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और भी अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड करें और साथ ही स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लेते हैं। और चटपटा फ्लेवर लाने के लिए इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर। आप चाहें तो नींबू के जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं और यदि दही खट्टा है तो इसके इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। इसीलिए मैंने कहा था कि बैटर को पहले ही ज़्यादा लूज ना रखें क्योंकि लौकी में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पानी होता है। अब इसे थोड़ी देर हम रेस्टिंग टाइम देंगे, कम से कम 15 से 20 मिनट। तो 20 मिनट बाद चेक कर लेंगे। तो देखिए, बैटर गाढ़ा हो गया है। इसमें खूब सारी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती ऐड कर दें। अब इस बैटर को आप ऐसे भी स्टीम कर सकते हैं, ऐसे भी ये अच्छा बन जाएगा, लेकिन मैं इसे और भी अच्छा टेक्सचर देने वाली हूँ। तो इसके लिए इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, इसे खाने वाला सोडा या कुकिंग सोडा कहते हैं। तो बस चुटकी भर ही ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। और यदि आप सोडा ऐड नहीं करते हैं तो फिर 2 चुटकी इनो फ्रूट साल्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी अच्छे से इस नाश्ते के अंदर यानी बैटर के अंदर एरिएशन हो जाता है और एरिएशन से इसमें स्टीमिंग भी बहुत अच्छी होगी और आगे जाकर हम इसमें जो तड़का लगाएंगे वो बहुत ही अच्छे से तड़के को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगा, तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा।
सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और बैटर में सोडा डालने के बाद इसे ज़्यादा देर हमें नहीं रखना है, तो फटाफट ही हम इसे एक मोल्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इस मोल्ड को हम तेल से ग्रीस कर लेते हैं ताकि जब हम इसे डीमोल्ड करें तो ये इजीली डीमोल्ड हो जाए। और यदि आप इस तरह का मोल्ड नहीं लेते हैं तो कोई भी टिफ़िन ले सकते हैं या कोई कॉर्नर वाली थाली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम बैटर को ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे ऐसे सेट कर लेते हैं। इसे हमने अच्छे से सेट कर लिया है और अब हम इसे स्टीम करेंगे। तो स्टीम करने के लिए मैंने कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया था, उसके ऊपर एक स्टैंड लगा दिया है और अब इसके ऊपर इसे रखकर ऊपर से कढ़ाई को कवर कर देंगे और कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे स्टीम करेंगे। 20 मिनट बाद हम ढक्कन खोलते हैं तो देखिए बहुत ही अच्छे से ये स्टीम हो चुका है। आप हाथ टच करके ऐसे भी पता लगा सकते हैं, ये बिल्कुल भी हाथ के नहीं चिपक रहा है, या फिर टूथपिक लेकर इसे चेक कर सकते हैं। तो यदि टूथपिक के साथ बैटर लगकर नहीं आ रहा है यानी ये अच्छे से पक चुका है। तो बहुत ही अच्छे से ये स्टीम हो चुका है तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो ऐसे साइड में चाकू से स्क्रैप कर देते हैं इसे थोड़ा सा, तो इसे ये इजीली निकल आएगा। अब आप इसे चाहें तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, ये ऐसे भी खाने में अच्छा लगता है, लेकिन हम इसे और भी अच्छा तड़का लगाएंगे जिससे ये खाने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। चाहें तो आप इसे डीप फ्राई करके भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक पैन के अंदर मैं 2 से 3 चम्मच तेल गर्म कर लूँगी। अब तेल के गर्म होते ही सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच राई या सरसों। थोड़ा सा राई को तड़कने देते हैं और फिर इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच सफ़ेद तिल। इस तड़के का फ्लेवर और भी बढ़ाने के लिए इसके अंदर खूब सारी करी पत्ता ऐड करेंगे। करी पत्ता काफ़ी हेल्दी भी होते हैं और जो तिल होते हैं वो भी काफ़ी हेल्दी होते हैं और इससे तड़के का फ्लेवर भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो जब इस नाश्ते को हम इस तड़के के अंदर पकाएंगे तो नाश्ता भी खाने में काफ़ी टेस्टी लगेगा। तो इस तड़के को हमने देर पका लिया है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये आगे और भी पकेगा। तो अब क्या करते हैं कि ये जो बैटर हमने स्टीम किया था इसे इस तरह उल्टी साइड से रख देते हैं। उल्टी साइड से रखने पर क्या होगा, बहुत अच्छे से ये अब्सॉर्ब कर लेगा तड़के को। हमें इसे दोनों साइड से ही अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेना है, तब तक इसमें तड़का भी अंदर तक अच्छे से रम जाएगा और साथ ही ऊपर की जो लेयर होगी वो काफ़ी क्रिस्पी भी हो जाएगी। तो इस तरह बीच बीच में हम ऐसे घुमा देंगे। थोड़ी देर बाद हम इसे पलट लेते हैं और दूसरे साइड से भी हमें इसे अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है। तो देखिए कैसे जो तड़का है वो ऊपर काफ़ी अच्छे से अब्सॉर्ब हो गया है और आपको इसमें कद्दूकस की भी थोड़ी थोड़ी लौकी भी दिखाई दे रही होगी। अभी ये इस तरफ से पूरा क्रिस्पी नहीं हुआ है तो एक बार फिर इसे हम पलट देंगे और देखिए ये साइड है वो अच्छे से काफ़ी क्रिस्पी हो गई है। यदि आपको इस तरह से इसे हैंडल करना मुश्किल लगे तो आप इसे पीसेस में कट करके भी फ्राई कर सकते हैं। तो ये हमारा नाश्ता अच्छे से पक चुका है, इसे प्लेट में हम निकाल लेते हैं। अब एक दूसरी प्लेट लेकर मैं इसे पलट लेती हूँ ताकि मैं नीचे की साइड से भी इसका टेक्सचर आपको दिखा पाऊँ। तो देखिए नीचे की साइड से भी ये कितना अच्छा क्रिस्पी हो गया, एकदम लाल लाल सुंदर नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। यदि आप इसे पूरा डीप फ्राई करते हैं तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। तो देखने में ये नाश्ता जितना सुंदर लगता है वाकई खाने में ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप इसे अब इस तरह से पीसेस में कट कर सकते हैं, तो अपने मनचाहे पीसेस में इसे कट करें और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सुंदर नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। लग रहा है ना, बहुत ही क्रिस्पी। तो आप इस नाश्ते को हरी चटनी, दही या टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं या ऐसे भी ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। और एक पीस मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है। तो आपको अंदर से काफ़ी सारी लौकी दिखाई दे रही होगी और लौकी खाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। तो दोस्तों आप भी ज़रूर से ये नाश्ता बनाएं और कैसा बना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आज का ये वीडियो आया है आपको पसंद तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल।